हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बाजार फ्रीक्वेंसी, आपका अपना चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए आलोक इंडस्ट्रीज का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस में कितना बताता हूँ मैं अभी आपको देखिए, बाकी इसमें जो भी कुछ है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में वो सब रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी जी के संबंधित है। बाकी कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये कंपनी भाव तक आए। तो पहले हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम वन मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो स्ट्रेट अवे इसके अंदर अभी काफ़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी वन मंथ की बाकी है, एटलीस्ट वन कैंडल जितनी तो ज़रूर बाकी है फ्रेंड्स। हालांकि RSI 77 ऑलरेडी है, बट स्टिल 77 काफ़ी नहीं है, तो ये 80s की रेंज में जा सकती है। और यहाँ हम अगर मैकडी को भी देखें तो इसने अभी अपना पूरा जो है ना कश जो कहते हैं, अगर आपको एक खालीपन देख रहा है, दिस इज स्टिल इनकम्प्लीट। रेड लाइन भी जो है वो अभी काफ़ी यहाँ पर नीचे है। आप देखें रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच में काफ़ी मार्जिन है फ्रेंड्स। जब भी यहाँ पर मार्जिन बहुत ज़्यादा हो, एक पैनी और एक स्ट्राइकिंग सी ब्लू लाइन हो जो कि रेड लाइन को पीछे छोड़ती हुई जा रही हो, तो डेफिनेटली अभी तक उसका कंसोलिडेशन आया नहीं है, ये गिरने के लिए अभी रेडी नहीं है स्टॉक। हालांकि आपको एंट्री इसमें मिलना फिलहाल काफ़ी मुश्किल है फ्रेंड्स, क्योंकि अपर सर्किट लगातार लगा हुआ रहता है। मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर डेफिनेटली AMO लगा के छोड़ दें, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। यस फ्रेंड्स, जो लोग आप में से नए हैं मैं उनको बता दूँ, AMO होता है जिसमें आप जीरोधा में अगर जाते हैं तो लगभग पौने 5 बजे यानी 4:45 के आसपास, और अगर आप उसमें जाते हैं अपने अप स्टॉक्स में तो 6:30 के आसपास एक ऑर्डर लगता है जो कि AMO कहलाता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। और अगले दिन सुबह वो ऑटोमेटिकली जो है जीरोधा या अप स्टॉक जो है वो उसको ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं, या और भी कोई आपका सॉफ्टवेयर मतलब ये है ब्रोकरेज हाउस है तो उसका जो भी AMO का टाइमिंग है उस पर आप लगाएंगे तो सुबह 9 बजे वो भेज देंगे। तो जो भी शुरुआत में जो भी ट्रेडिंग होती है फ्रेंड्स इसके अंदर, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, आप देखें यहाँ पर कि यहाँ इसकी प्राइस में ये देखिए, यहाँ प्राइस में हल्की सी गिरावट आई थी, आप यहाँ देखेंगे यहाँ अब 13 रुपीज़ 30 पैसा लो 12 रुपीज़ 10 पैसे तक गया था। तो यहाँ एक्चुअली ट्रेडिंग हुई थी इनकी, ट्रेडिंग होने के कारण यहाँ पर ही वॉल्यूम है। आप इन 2 और 3 दिनों में भी देखिए यहाँ पर भी वॉल्यूम है। तो ऐसे में क्या, जब यहाँ पर अप्स एंड डाउन आते हैं ना, 13 रुपये 30 पैसे और लो 12 रुपये 10 पैसे, आप ये देख लीजिए नेक्स्ट डे पे ही 13 रुपये 95 पैसे का इसमें हाई है, और लो देखेंगे ऊपर आप यहाँ पर, यहाँ दिखेगा लो और हाई, मैं जहाँ आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ लो देखेंगे आप 13 रुपये 30 पैसे का है, यानी यहाँ पर सेलर्स आए थे और परचेजिंग एंड बाइंग हुई है तभी प्राइस में यहाँ फ्लक्चुएशन हुई है। यही सेम आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, थोड़ी फ्लक्चुएशन आपको लगातार इसमें बीच में ऐसी जो फ्लक्चुएशन आती है, अगर आप डेली AMO डालेंगे तो आपको हिट हो जाएगा फ्रेंड्स किसी दिन। ये तो ही एक बात कि आप उसमें एंट्री कैसे पॉसिबली या प्रोबेबली ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वन डे चार्ट पैटर्न, सबसे पहले 1 आवर चार्ट पैटर्न में हम देखें तो 1 आवर चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको उसको पुरानी हिस्ट्री में अगर दिखाऊँ यहाँ पर 99.94 से ये फिर उसके बाद में गिरा था फ्रेंड 99.96 से, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसने स्पेस बनाई थी। यहाँ पर RSI आप देख रहे हैं, मैं RSI की गणना कर रहा हूँ जब मैं यहाँ पर आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर RSI की वैल्यू देखेंगे जो मैं अभी जो कर्सर घुमा रहा हूँ उसको, तो यह 99.96 के बाद में या 97 के बाद में आप समझ लीजिए गिरा था। अब आप यहाँ देखें ये क्या एग्जैक्ट एक्चुअली हाईएस्ट टू हाईएस्ट बहुत धीरे धीरे बढ़ता, अब यहाँ 99.97 आ चुका है फ्रेंड्स, और इससे पहले था 99.96 97। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि 97 के बाद में जब कल ये खुलेगा, आज 99.978 है, तो 99.98 99.99 और उसके बाद में ज़रूर एक बार ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, चाहे तो मैं वन डे में अभी आपको देख के बताऊंगा कि ये और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, बट ज़रूर यहाँ पर क्या, जैसे 99.98 या 99 आएगा तो कल या परसों में, यस फ्रेंड्स 12 जून या उसके बाद के जो आपका जो मंडे है यानी 15 जून,
12, 15 और 16 जून के बीच में यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाइंग और परचेजिंग फ्रेंड्स जरूर होगी, क्योंकि 1 आवर जो है अपनी पीक पे पहुँच चुका है, थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी और आप अगर उसमें EMO डाल देते हैं तो डेफिनेटली आप भी इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। बट अब मैं इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, बहुत बड़ा डेंजर है फ्रेंड्स। डेंजर क्या है मैं बताता हूँ। अनुमान, मैं नहीं कहता कि इस स्टॉक में ऐसा हो ही जाएगा। अनुमान जो स्टॉक बहुत ज़्यादा अपर सर्किट में लगातार और बहुत तेज़ी से आगे जाके बढ़ चुके हैं, वो वापस लोअर सर्किट भील मारते हैं फ्रेंड्स। और उसमें फिर क्या होता है, आपने अगर बहुत हैवी प्राइस में, मान लीजिए आज आपने 27 रुपये पे ख़रीदा है इसको, और कल से इसका लोअर सर्किट चालू हो जाए और आपका पैसा, आपको एग्जिट होने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे आज आपको एंट्री का मौका नहीं मिल रहा है, तब आपको एग्जिट होने का मौका नहीं मिलेगा। और ये प्राइस मान लीजिए 17 रुपये पे आके अटक गई, और फिर ये 17, 18, 21, 19, 18, 17, 15, 16 यहीं घूमती रह गई काफ़ी दिनों तक, तो आपका पैसा फिर इसमें जो है, आपकी मनोस्थिति अटक जाएगी, आपकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि मैं इसमें अटक गया हूँ, हो सकता है बहुत बाद में ये बढ़ भी जाए, या हो सकता है ऐसा कुछ ना भी हो। बट ये एक प्रोबेबल डेंजर है जो मैंने आपको बताया है कि आप लोअर सर्किट में भी फंस सकते हैं। इसलिए जिस दिन भी आप इसको खरीदें, आप कॉन्टिन्यूसली वॉच भी करते रहें, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस भी करते रहें। अब मैं इसमें वन डे आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। वन डे में अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टेंट शार्प ये बना हुआ है। यहाँ पर अगर मंडे की RSI देखेंगे फ्रेंड्स, मैं यहाँ RSI क्यों देख रहा हूँ, स्टोकास्टिक और MACD से अपर सर्किट लोअर सर्किट स्टॉक्स का इतना पता नहीं चलता है, बिकॉज ये लोग, ये स्टोकास्टिक है ऑलरेडी 100 अटेन कर चुकी है। आप देखें यहाँ पर ये 100 और 100 दिखेंगे, आप ये देखें दोनों की वैल्यू 100 आ रही है, ये कॉन्स्टेंट 100 है, यहाँ कोई चेंज नहीं है फ्रेंड्स। और MACD कितना भी ऊपर जा सकता है, MACD की कोई लिमिट्स नहीं होती फ्रेंड, ये वन साइडेड साइकिल भी चल सकता है। इसलिए जब टर्न करता बट इसका कोई अपर एंड नहीं है फ्रेंड्स, अपर एंड और लोअर एंड नहीं है इसका। जैसे RSI में, स्टोकास्टिक में 100 अपर एंड लोअर एंड होते हैं, यहाँ अपर और लोअर एंड नहीं है। ये आज 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, ये 50 पे भी जा सकता है, 100 पे भी जा सकता है, 500 पे भी जा सकता है, तो इसका कोई अपर एंड नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पर RSI से ही पता पड़ता है कि एक्चुअल में ये कब गिर सकता है। ये इन सर्किट स्टॉक्स जो हैं उनके ऊपर ये चीज़ लागू होती है फ्रेंड्स। आप ये देखें 96.8, यहाँ फिर RSI देखेंगे, आप गौर करेंगे मेरे कर्सर जहाँ पर है, मैं जैसे जैसे मूव करूँगा डे वाइज आप यहाँ पर देखेंगे, नोट करेंगे 96.43, नेक्स्ट डे 96.8, 97.2, 97.5, 97.8, अब 98, लगभग आप देख रहे हैं 0.2, 0.3, 0.2, 0.3 इसमें बढ़ रहा है, 98 है, तो कल ये 98.3 भी हो सकता है, उसके बाद में 98.5, 98.8 या 7, फिर 99। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि अभी एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते या मैक्सिमम 2 हफ्ते जो है, ये ज़रूर यहाँ पर एक अपसाइड ले सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, पर इसके अंदर थोड़ी बहुत हलचल ज़रूर आपको देखने को मिलेगी यहाँ 1 आवर के ऊपर, जब 1 या 2 या 3 दिन में जब यहाँ पर थोड़ी सी हलचल ज़रूर होगी, और उस समय खाली हलचल नहीं होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेस है। मैंने अभी आपको दिखाया 98 के आगे, इसका खाली ये मतलब नहीं है कि ये आगे बढ़ेगा ही, इसको 100 जाना ज़रूरी नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ प्रोबेबिलिटी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, पॉसिबिलिटी है कि आगे बढ़ सकता है, पर बढ़े ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हो सकता है 98.3 से ही रिवर्ट हो जाए, या 2 दिन बाद में जब ये 1 आवर का, या 1 दिन बाद में जब ये 1 आवर का यहाँ पीक आएगा, तो हो सकता है वहीं से टर्न अराउंड कर जाए 98.6, 98.7 RSI की वैल्यू वन डे के कैंडल पर, हो सकता है वहाँ से ही रिवर्ट कर जाए। तो आपको, आप अगर वहाँ उस वक्त खरीद रहे होंगे, तो आपको डेफिनेटली ये ध्यान रखना है कि कहीं ये लोअर सर्किट इसमें ना लग जाए, तो ये कॉशियसली आपको वहाँ बैठ के पूरा मोमेंटम चेक करना पड़ेगा और हैंड टू हैंड वहाँ पर डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये एक पूरी बात हो गई फ्रेंड्स, इस सर्किट स्टॉक में कैसे आप जो है एंट्री और एग्जिट करेंगे, और क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है आपको आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में फंडामेंटली बता देता हूँ फ्रेंड्स। कंपनी एकदम नेट वैल्यू ही इसकी माइनस में थी, बुक वैल्यू ही नेगेटिव के अंदर इसकी है, तो यहाँ पर ये देखें -70 है,
तो इसके अंदर जो है बहुत कुछ खासा कंपनी में दम नहीं था। इससे ज़्यादा फंडामेंटल देखने की कंपनी की कोई ज़रूरत ही नहीं है जब बुक वैल्यू ही जिस कंपनी में नेगेटिव है, यानी कांस्टेंट लॉसेस इन्होंने बनाए होंगे। ये आप देखें यहाँ पर कांस्टेंट लॉसेस बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे भी -1200 है। ये कोई ना कोई इनकी एसेट सेल हुई है, अदरवाइज तो इनका कोई इसमें अर्निंग है नहीं फ्रेंड्स। अब आप जो है, मैं इसके अंदर आपको प्रमोटर्स होल्डिंग के अलावा टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स क्यों बढ़ रहा है ये शेयर होल्डिंग, ये टॉप पब्लिक शेयर होल्डिंग है यहाँ पर। ये फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है रिलायंस द्वारा 37.7% स्टेक परचेज करने के बाद से ये स्टॉक लगातार उठ रहा है फ्रेंड्स। और यही इसका रीज़न है कि हमारे देश के लोगों को, हमारे गुजराती बनिया भाई जो कि बहुत तेज़ प्रतीत होते हैं, वो मुकेश भाई जी अंबानी, तो उनके बेसिस पे उनके नाम से ये स्टॉक चल रहा है। दूसरी क्या उन्होंने डिसीजन लिया है कि इस स्टॉक के अंदर पूरा उन्होंने डाइवर्ट किया है PPE, जो इस वक्त कोरोना वायरस के अंदर जो PPE बन रहे हैं, जो ये आउटर क्लॉथ्स होते हैं ताकि कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन रहे, पर्टिकुलरली मेडिकल स्टाफ्स के लिए होते हैं। तो ये PPE जो हैं, ये क्लॉथ्स जो हैं, ये आलोक इंडस्ट्रीज अब इसको बना रही है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब इसके जो यूनिट्स थे उसको इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने PPE यूनिट्स में बदल दिया है। तो यहाँ ये इनका जो है आगे का प्रस्ताव है। तो पास्ट में कंपनी में कोई फंडामेंटल्स नहीं है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये PPE के बेसिस पे यहाँ पर जो भी चेंज आएंगे वो आने वाले 2 या 3 क्वार्टर्स में आप नज़र आएंगे, तो वही हम इसमें देख सकते हैं। बाकी आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर फंडामेंटली डिस्कस करने का और कुछ भी यहाँ पर फ्रेंड्स है नहीं। बस इसकी प्राइस मुकेश अंबानी जी के यहाँ खरीदने के बाद से ही जंप हुई थी। तो इसी के साथ मैं वीडियो का यहाँ एनालिसिस का जो वीडियो है मैं यहाँ एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, खास करके टेक्निकल पार्ट, क्योंकि फंडामेंटल पार्ट इस वीडियो में कुछ खास था नहीं फ्रेंड्स। तो अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पसंद नहीं आई है तो अनलाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको क्या पसंद नहीं आया है, हम ज़रूर उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप वो भी यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वी विल ट्राई कि हम उस पे वीडियो बनाएं। इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। जाने से पहले मैं ज़रूर आपको फ्लैश कर दूं, यहाँ पर हमारा जो लिंक है ये सब्सक्रिप्शन एंड पेड सर्विसेज ओनली फ्रेंड्स, सिर्फ आप स्विंग ट्रेडिंग जब करेंगे तब होता है, जब हमारे साथ आप रेगुलर डिस्कशन करेंगे ट्रेड का। अदरवाइज आप कहीं स्टक हैं, आपको कोई सुझाव चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये ईमेल आईडी पर। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।